हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूँ साधना। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश वर्कबुक का सोल्यूशन देखेंगे। ये इसमें हम लोग देखेंगे क्लास फिफ्थ का इंग्लिश जो न्यू बुक है पेटल्स। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अभी रिवीजन। रिवीजन में हम डे फाइव और डे सिक्स का जो है आज सोल्यूशन बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे डे फाइव और डे सिक्स, ठीक है। तो डे फाइव में दिया है रीड अलाउड एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स हमने आपको बताया है कि मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं जिनका जिनके लास्ट की ध्वनि जो होती है वो एक जैसे हो। जैसे लिखा है यहाँ पे, नरेन हैज 10 pens, 1 pen इज रेड, ही लाइक्स द रेड पेन। यहाँ पे देखिए 10 pen, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से राइम करते हुए वर्ड्स हैं। तो 10 का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, पेन। ओके, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड री राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स के नेम दिए हुए हैं, इनको रीड करना है। रीड करने के बाद इनको खुद से लिखना है। तो ये है पैक, तो यहाँ पे हमको लिखना है पैक, ईजी पैक। ये है कैक, के ई जी कैक। बी ई जी बैग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ई जी बैग। ये है लेग, एल ई जी लेग, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई जी से रिलेटेड ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। देखिए इसमें भी ये है ई जी, इसमें भी ई जी है, इसमें भी ई जी, इसमें भी ई जी, लेकिन वर्ड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। पैक, केक, बैग, लेग। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, नीचे सेंटेंस दिए हुए, सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट हैं, और इनमें इन वर्ड्स को देखना है कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में फिल होना है। तो लिया है कालू इज माई डैश डॉग, इट इज अ स्मॉल डॉग। तो कालू क्या है, ये डॉग है, तो डॉग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेट डॉग। यहाँ पे लिखेंगे हम पेट, P-E-T, pet. It is a small dog. Next है, this is my dash, I like it. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this is my pen. This is my pen, I like it. Next है, a dash is walking. A hen, H-E-N, hen is walking. देखिए यहाँ पे pictures भी दी हुई हैं। इस picture में क्या है, ये girl है, ठीक है, इसका डॉग है, ये क्या है, ये अपने डॉग को क्या कर रही है, प्यार कर रही है। तो यहाँ पे कालू इज माय पेट डॉग, ये लड़की बता रही है कालू जो है मेरा पेट डॉग है। यहाँ पे पेन की पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पे पेन आ जाएगा, और यहाँ पे हैन की पिक्चर है, तो यहाँ पे हम हैन को फिल करेंगे। नेक्स्ट है एड सम मीनिंगफुल राइमिंग वर्ड्स इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे ई एन से बनने वाले वर्ड्स लिखने हैं जो इन सबसे राइम करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 men, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे राइम करता हुआ पेन, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हैन। तो 10 men, पेन, हैन। यहाँ पे इजी वर्ड्स को लिखने हैं, जैसे लिखा है केग, बैग, तो यहाँ हम लिखेंगे लेग एंड पेग। ओके, अब हम लोग देखेंगे डे फाइव का। डे फाइव में दिया है रीड अलाउड एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स। चीची इज अ हैन, द हैन गेट्स अ नेट, द नेट इज वेट, द सन हैज सेट। तो यहाँ पे एक दूसरे से राइम करता हुआ वर्ड कौन कौन सा है, देखिए जैसे नेट, वेट, सेट, ठीक है, इनको अंडरलाइन करना है। ये एक दूसरे से क्या है, राइम करते हुए वर्ड्स हैं, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ईटी से ईटी के राइमिंग वर्ड्स हैं, नेट, वेट, सेट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कंप्लीट देम विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनसे सेंटेंस दिए हुए हैं, सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट हैं, और इन यहाँ पे नीचे क्या है, इसको पिक्चर को देख करके उस वर्ड को लिखना है जिससे कि ये सेंटेंस जो है कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। तो वी गेट एग्स फ्रॉम द, हमको एग किसे मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा हैन। वी गेट एग्स फ्रॉम द हैन। आई किक द बॉल विद माई राइट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फुट, FOOT, फुट। नेक्स्ट है यहाँ पे बेड की पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आई लाइक टू स्लीप ऑन माई, यहाँ पे हो जाएगा बेड. नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स की हेल्प से आपको सेंटेंस जो है कंप्लीट करना है. यहाँ पे लिखा है आई हैव, ये है रुपीज़ का साइन. यहाँ पे ये जो क्वाइन है कितने रुपीज़ का क्वाइन है, 10 रुपीज़ का क्वाइन है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव रुपीज़ 10, TEN 10. नेक्स्ट है माई फेवरेट कलर इज, ये कलर क्या है, रेड कलर है. तो यहाँ पे लिखेंगे माई फेवरेट कलर इज रेड. नेक्स्ट है ही हैज अ डैश, तो यह पिक्चर है हेलीकॉप्टर की, ही हैज अ हेलीकॉप्टर. यहाँ हो जाएगा हेलीकॉप्टर. नेक्स्ट है द फिश इज इन द, ये नेट में है फिश, तो यहाँ पे हो जाएगा नेट. नेक्स्ट है एड सम मीनिंगफुल राइमिंग वर्ड्स इन द स्पेस गिवन बिलो. यहाँ पे ई डी वाले वर्ड्स लिखने हैं, जैसे दिया है फेड वेट, तो हमको यहाँ पे इससे रिलेटेड बनाने हैं. तो जैसे हो जाएगा यहाँ पे बेड और यहाँ हो जाएगा रेड. नेक्स्ट है ईटी वर्ड्स, ईटी वर्ड्स बनाने हैं जैसे वेट, सेट, नेट, गेट. ठीक है, इस तरीके से हमको राइमिंग वर्ड्स इसमें फिल करने हैं. कैसी लगी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.